नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो है मनुष्य जन्म के ऊपर कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ। ये मेरे विचार हैं। मनुष्य को भगवान ने दिमाग दिया और एनालिसिस की पावर दी, मेमोरी दी, और अपने जो उसकी जो बुद्धि है उसको कैसे यूज़ करना, उससे कैसे नई नई क्रिएशन करनी है वो दी। ये बाकी जो ये जो शक्तियाँ हैं किसी और जीव को नहीं मिली। क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म माना जाता है, इसलिए उसे मौज करने के लिए ये जन्म दिया गया है कि वो मौज भी करे और रिसर्च द्वारा दूसरों को भी मौज कराए। क्योंकि ब्रेन की जो शक्ति दी गई है मनुष्य को, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं दी गई, बल्कि सभी के कल्याण के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी के सुख खुशी के लिए दी गई है। वो दूसरों के सुख खुशी का भी ध्यान रखे, अपना भी मौज करे, परंतु दूसरे को भी मौज कराने के लिए अपने मार्गदर्शन करे। कहते हैं ना, जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट के लिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि वो अपना विकास करे, दूसरों को भी विकास करे, अपने लिए खुशी ढूंढे, दूसरों के लिए खुशी ढूंढे, अपने लिए प्रोग्रेस ढूंढे, दूसरों के लिए प्रोग्रेस ढूंढे। मतलब उसने जो क्रिएटिविटी करनी है वो पॉजिटिव करनी है, सबके भले के लिए करनी है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला, सर्वत के भले के लिए से बुद्धि दी गई है, अपने स्वार्थ के लिए दी गई। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है निस्वार्थ भक्ति निस्वार्थ कर्म सबसे ऊँचे। तो हमें निस्वार्थी बन के अपने जो ब्रेन है, अपने जो हमारे को पावर है, उसका सभी के कल्याण के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी के खुशी के लिए, सभी के सुख के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।